हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री और टॉपिक हमारा अकबर का दीन ए इलाही। देखिए, अकबर का दीन ए इलाही, अकबर ने जो है ना, जो मुगल सम्राट था अकबर, उसने सन 1582 में दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया था, जिसको नाम दीन ए इलाही दिया था। जो धर्म था दीन ए इलाही, इसके जो प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं वो ये हैं, जो अकबर के दीन इलाही का सिद्धांत है, जीवन में उदारता। देखिए, अकबर ने जो सबसे पहला सिद्धांत बताया जीवन में, कि उदार रहना चाहिए, व्यक्ति को उदार रहना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। फिर दूसरा जो उसका सिद्धांत है दीन इलाही का, जीवन में दानशीलता, के जो हमें जो है लोगों की दान भी देते रहना चाहिए, जो हमारे हम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें दान भी करना चाहिए, ये भी अकबर के दीन इलाही में मिलता है। तीसरा है सांसारिक इच्छाओं का परित्याग। अकबर की जो दीन इलाही में बताया कि जो जितनी भी हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का हमें परित्याग कर देना चाहिए, और मतलब हमें कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए जो सांसारिक हो, जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हो। फिर है दुष्कर्मियों का समाधान। देखे, इन्होंने इनके दीन इलाही में कहा गया है कि जो दुष्कर्मी हैं, पार्डन टू मिसड्रेस, जो दुष्कर्मी हैं, जो गलत कार्य करते हैं, कि ऐसा होना चाहिए कि हमें उन्हें भी क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करने से जो है ना, हम मतलब उनको सुधारा जा सकता है, ये दीन इलाही में कहा गया। फिर सांसारिक अस्तित्व के बंधनों से मुक्ति। जो अकबर का दीन इलाही है उसने उसमें कहा कि जो सांसारिक अस्तित्व के बंधनों से मुक्त हो जाए, जो सांसारिक अस्तित्व है उसके बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर, और परलोक के लिए जो है ना संचित करने की इच्छा रखनी चाहिए, कि हमें परलोक सुधारना है, सांसारिक इच्छाओं से हमें अलग रहना चाहिए, मुक्ति मुक्त हो जाना चाहिए। फिर है कर्मों के फल पर जोर। जो दीन इलाही है इसमें कहा गया कि जो हमारे कर्म है उन पर जोर देना चाहिए, अपने कर्मों पर विचार मनन भक्ति ज्ञान की अभिवृद्धि करनी हमें चाहिए, कि हमें जो कर्म है उनको करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर मधुर भाषा में व्यवहार। देखे, आपने एक दोहा भी सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए अपना मन का पाक होए और उनको शीतल करे आप ही शीतल खोए। जो हमारी भाषा है, वाणी है, तो वो हमें मधुर रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाए, ऐसी भाषा का व्यवहार करना चाहिए। तो ये दीन इलाही में बताया गया है, जो अकबर के दीन इलाही है। फिर आठवां है ईश्वरवाद में विश्वास। देखे, एक ही ईश्वर में विश्वास बताया गया अकबर ने, कि ईश्वर एक ही है, परमात्मा के प्रति प्रेम और उसकी भक्ति में आत्मोत्कर्ष और आत्मा का परमात्मा से संयोग किया जा सकता है, कि जो ईश्वर है, जो परमपिता परमेश्वर है, वो एक ही है, वो अलग अलग रूपों में हो सकता है, लेकिन उसका जो माना गया एक ही है। तो ये अकबर का दीन इलाही के सिद्धांत थे। थैंक यू।